हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग द चांद फैमिली में आप सबका स्वागत है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9:15 और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 9:15 बजे से। तो अभी ना लाइट चली गई है, कल भी इसी समय पर लाइट चली गई थी तो दिन के 1:30 बज आई थी, तो आज भी उसी समय लाइट चली गई है। अब देखते हैं कि आज कितने बजे आती है। मम्मी जी हाथ वाले पंखे से पंखा कर रही है क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है आज। अभी मैं कपड़ा धो के आई और ये देखिए अंदर तक धूप आ रखी है और बाहर भी बहुत तेज धूप हो रखी है। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में। तो हम आज क्या कर रहे हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए मम्मी क्या कर रही है। मम्मी ने ना एक चुन्नी ली है और चुन्नी को परात में अच्छे से टाइट कर लिया है ताकि नीचे ना गिरे। और अब इसमें ना आटा छानेंगे। देखिए मम्मी ना मैदा निकाल रही है। तो ये मैदा कैसे निकाल रही है, ये एक चुन्नी ले रखी है मम्मी ने और नीचे परात है, परात में अच्छे से टाइट करके बांधना है और फिर आटे को उसमें रख के छानना है मतलब चुन्नी से। तो फिर क्या होता है, ऊपर ना छानस रह जाता है और नीचे पूरा मैदा निकल जाता है। तो इस मैदे से हम बनाने वाले हैं जवे, सीमियाँ, सेवैया, जो भी मतलब कहते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो तोड़ते से मम्मी के लिए पहाड़ों में नहीं तोड़ते इसे अब, और प्लेन में तोड़ते हैं। आइए देखिए मम्मी कैसे तो कर रही है। ये आटा ना हमने स्पेशल इसी के लिए पिसवाया था, मतलब हमारे पास आटा था पहले का भी लेकिन ये ना थोड़ा सा मोटा था मतलब, और ये हमने बारीक पिसवाया क्योंकि जब बारीक पिसा रहता है ना आटा तो मैदा जल्दी निकल जाता है आटे का। तो और इसमें ना वैसे बाजार की भी, बाजार का जो मैदा मिलता है ना उसे भी मिक्स कर सकते हैं या उसी से भी तोड़ सकते हैं, लेकिन बाजार का मैदा होता है ना थोड़ा नुकसानदायक सेहत के लिए हानिकारक मम्मी कह रही है। तो इसलिए ना हम घर का ही मैदा बनाते हैं, मैदा छानते हैं और घर के मैदे से बनी हुई जवे अच्छी होती है, बल टेस्टी होती है मम्मी कह रही है। तो मम्मी अभी मैदा छान रही है इसलिए हम ना घर का ही यूज़ करते हैं, आटे से मैदा निकालते हैं और उसे यूज़ करते हैं। मुझे भी नहीं आता था तोड़ने। फिर आपने कहाँ सीखा? और ये देखिए पूरा मतलब ये क्या ही मोटा आटा बाहर निकल रहा है और बारीक आटा उस चुन्नी की जाली जो हमने बना रखी है, छन्नी बना दी हमने चुन्नी की, तो उसके नीचे जा रहा होगा वो। हम अभी थोड़ी देर में दिखाएंगे आपको कि कितना मैदा निकाला है हमने। लाइट भेज दो कोई मम्मी की फरमाइश है कि कोई लाइट भेज दो। आज ना लाइट भाग रखी है यहाँ, कल भी हाँ मैं बोलने वाली थी कि कल भी भागी थी। पता क्या हुआ, जन्माष्टमी वाली रात में बारिश पड़ी ना बहुत तेज, तो नदी आ गई थी। तो हमारी लाइट आती है कोरद्वार सिकड्डी से, तो बीच में नदी है जो, तो उसमें ना खंभे बह गए, ऐसा सुनने में आ रहा है कि वहाँ खंभे बह गए, तो वहाँ से लाइट तो नहीं आ पाएगी, एक दो दिन लग जाएंगे उसे ठीक करने में। तो अभी ना हमारी लाइट जोड़ रखी है हरिद्वार से, तो जब हरिद्वार से लाइट जुड़ी रहती है ना तो ऐसे ही रहता है कि कभी आती है कभी जाती है। तो कल भी सुबह 9:30 बजे चली गई थी लाइट और फिर आई थी दिन के 1:30 बजे। तो कल तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया, पता क्यों, क्योंकि फ़ोन चार्ज ही नहीं था, फ़ोन स्विच ऑफ हो रखा था, फिर 1:30 बजे लाइट आई और कल फिर ऐसे ही रह गया, मतलब शाम तक फ़ोन चार्ज हुआ और फिर बना ही नहीं पाई मैं व्लॉग। और आज भी हम भूल गए फ़ोन को चार्ज पर लगाना और आज भी उसी टाइम पे 9:30 बजे लाइट फिर से भाग गई। तो अब देखते हैं कि कल के ही टाइम पे लाइट आती है या उससे पहले आ जाती है या और देर लगाती है लाइट आने में। तो अभी तो मम्मी छान ही रही है आटा, तो हम बस उतना ही छानते हैं जितना हमें मतलब यूज करना होता है, फिर दोबारा छान लो है ना, सारा इकट्ठा करके नहीं रखते कि मतलब एक ही बार में छान लिया बहुत सारा आटा, फिर वो यूज ही नहीं होता तो क्या फ़ायदा। तो जितना यूज होगा हम उतना ही छानते हैं, उससे ही मलते हैं, फिर उससे जवे तोड़ते हैं। तो मैं आज ना आपको दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ जवे कैसे तोड़ते हैं।
जवे सेवैया सीविया आइए देखिए मम्मी ने मैदा निकाल दिया है। आधा किलो होगा, ज़्यादा होगा, 5 किलो होगा। और ये देखिए मम्मी ने मैदा निकाल दिया है, देखो कितना बारीक घर का मैदा है ये। और हमारे पास कुछ बाजार का मैदा भी है, पहले का है तो रखा हुआ, तो पहले से देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि ये ठीक है कि बेकार हो गया। मम्मी से चेक कर रही है मैदा ही था। तो ये है बाजार का मैदा और ये है घर का मैदा। बाजार का जो रस्ता है, हाँ बाजार का पूरा वाइट होता है, पूरा वाइट, और घर का तो आटे से निकला हुआ रहता है, बाजार का भी आटे से निकलवा रहता है। कई बार छन के निकलता है, बारीक पहले इसके छिका निकाल जाते हैं। ओह ये देखिए, तो अभी हम इसे नहीं मिला रहे हैं क्योंकि ये बहुत पहले का है ना, तो इसे साइड रखेंगे और इसी का इसी को मलेंगे अभी, जैसे आटा गूंथते हैं ना, है ना, वैसे ही इसे भी मलेंगे। और ये देखिए ये छाणस निकल गया। तो अभी हम किचन से आ गए हैं अंदर बरामदे में, क्योंकि किचन में बहुत गर्मी लग रही है। अब मैं दिखाती हूँ कि वो छनावा जो हमने छाना था ना मैदा, उसका हमने कैसे अब आगे उसका क्या करना है, क्या यूज करना है। और ये देखिए हमने वो जो मैदा छाना था उससे थोड़ा सा मैदा लिया और उसे अच्छे से मल लिया और उसे अच्छे से मल दिया, मतलब जैसे आटा टाइट करके मलना पड़ा, आटा ढीला करना पड़ा, इसे टाइट करना पड़े, आटा थोड़ा ढीला सा करना पड़ा ना रोटी के लिए, जितना टाइट रहेगा उतना ये अच्छा तोड़ेंगे। अब बताते हैं हम कैसे तोड़ते हैं ऐसे सेल बनाना है, सेल तो अब इसकी ऐसे लंबी सेल बनानी है, ऐसे तोड़ना। और देखिए स्टाइल देखिए, हमने ना एक क्लीन साफ अखबार ले लिया है और अखबार में तोड़ेंगे। और ये देखिए और ऐसे तोड़ना है, बाहर से धूप आ रही है ना। और पता है ये कब से तोड़ना स्टार्ट होते हैं, ये रक्षाबंधन से स्टार्ट हो जाता है टूटना। 12 में रक्षाबंधन था और आज 10-12 दिन है ना, 12-13 दिन बाद हम तोड़ना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक महीना टूटते हैं। हाँ और ये एक महीना तो टूटते हैं, रक्षाबंधन से स्टार्ट होते हैं और एक महीना जो श्राद्ध आते हैं ना उससे पहले पूर्णमासी आते हैं बस, तो उस दिन ये टूटना बंद हो जाते हैं। इन्हें हमारे यहाँ श्राद्धों में भी नहीं खाते इसे तोड़ने का, मतलब रूल है ये कि रक्षाबंधन से स्टार्ट करना है और पूर्णमासी तक एक महीना तक, मतलब जितनी मर्जी तोड़ लो है ना, इकट्ठा कर दो। और हम देखो रक्षाबंधन कब थी, 12 तारीख में, और हम आज से तोड़ना स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं लग रहा था, तो आज फाइनली देखते हैं हम कितना तोड़ पाते हैं, कितना तोड़ते हैं, मतलब टूटेगा तो ठीक है, नहीं टूटेगा तो क्योंकि अपना बाजार के खाते हैं, मतलब जैसे दूध की सेवैयाँ तो बाजार की अच्छी लगती है, बाजार की बहुत बारीक होती है ना मशीन वाली, मतलब बाजार की मशीन तो कुछ और होती है, इसे हम घर की मशीन से भी तोड़ सकते हैं, हमारे पास तो नहीं है लेकिन होती है ना किसी किसी पास, मतलब हम हाथ से ही तोड़ते हैं और थोड़ी सी टूटे, मतलब चाहे थोड़ी बहुत एक दो किलो इकट्ठा करके फिर रख लेते हैं। और फिर ये जो हाथ से तोड़ी भी रहती है ना, इसकी ना नमकीन सेवैयाँ अच्छी लगती हैं, जो सर्दियों में बनाओ ना इसे नाश्ते, गरम गरम नमकीन सेवैयाँ, तो वो अच्छी लगती हैं। हाथ की ना दूध की अच्छी नहीं लगती हमें, दूध वाली तो हमें बाजार की अच्छी लगती है, बाजार की सेवैयाँ ये नमकीन ही अच्छी लगती है। भाई देखिए मम्मी तोड़ रही है, मम्मी का स्टाइल, मम्मी और तो तोड़ लेते हैं फटाफट ऐसे ऐसे कर करके, और हम पता क्या करते हैं, हमें ऐसे ऐसे मसलना पड़ता है, और मम्मी तो ऐसे ऐसे एक ही बारी में, पहले मुझे भी नहीं आता था, बहुत कम से कम
18 साल में जाके सीखी मैं। वो भी जब मैंने कहा देखती हूँ मैं कैसे तोड़ती हूँ। तो अब तो मम्मी परफेक्ट हो गई इसे तोड़ने में, और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि हम कितना तोड़ पाते हैं। फिर मैं लास्ट में दिखाऊंगी आपको कि हमने कितना इकट्ठा किया है। और गर्मी भी इतनी हो रही है, लाइट भी नहीं है, पंखा उंखा सब बंद है, तो अब फ़ोन में भी चार्ज कम है आज। तो जितनी बनेगी वीडियो मैं दिखाऊंगी, फिर उसके बाद जब लाइट आ जाएगी तब चार्ज करके फ़ोन है, तब आगे की वीडियो तब बनाएंगे। तो चलिए हम भी तोड़ना स्टार्ट करते हैं मम्मी के साथ। आप यहाँ टूटते हो तो हमें कमेंट करके बताइए। हाँ कि पहाड़ में तो टूटते ही हैं। हाँ, और आपने मतलब तोड़ना स्टार्ट कर दिया है या फिर पहाड़ों से हैं आप, तो आप भी तोड़ते हैं ये, तो ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए हम भी तोड़ते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। दोस्तों अभी बज गए हैं शाम के 6, ये देखिए 6 बजने वाले हैं। और आज भी ना लाइट बिल्कुल उसी टाइम पर आई, कल वाले टाइम पे एक बजे आ गई थी, तो मैंने फ़ोन चार्ज पर लगाया। और अब व्लॉग आगे स्टार्ट कर रही हूँ, तो अभी मैं बाहर का दिखाती हूँ आपको। और मम्मी ने बाहर आंगन में पानी डाल दिया है, पानी डालने से थोड़ा ठंडा हो जाता है और जो धूल मिट्टी होती है वो भी बह जाती है। तो पानी आ रहा था तो मम्मी ने पानी डाल दिया है। और ये देखिए बाहर का मौसम, और चलिए चलते हैं अंदर। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि आज हमने कितने जवे तोड़े हैं, और ये हमने ना अंदर रख दिए थे ये देखिए, क्योंकि बाहर मक्खी और चींटी लग जाती है ना, इसमें घी लगा हुआ है, थोड़ा थोड़ा घी लगा के तोड़ते हैं ना, तो इसमें घी में तो एकदम चींटी हो जाती है, तो हमने अंदर रख दिया था। और यहाँ खिड़की से धूप आ रही थी तो हमने यहाँ सुखाने के लिए, मतलब सूख भी रहे थे, अब तो सूख भी गए हैं ये देखिए, आधे आधे सूख गए हैं, अभी आधे रह गए। तो आज हमने एक अखबार तोड़ दिया पूरा, एक अखबार का पेज तोड़ा है पूरा, अब देखते हैं कितने तोड़ पाते हैं। ऐसा भी नहीं कि तोड़ नहीं है, बस जब जब टाइम लगेगा तब तक हम तोड़ते रहेंगे। बाहर मम्मी कर रही थी सिलाई, और फिर मम्मी आंगन धोने चले गई, पानी भर दिया था मैंने, और ये पानी की बाल्टी भर के रख दी है एडवांस में, क्योंकि शाम के टाइम पे ना यहाँ पे बहुत पंछी निकल जाते हैं, तो फिर पानी डालना पड़ता है, तो इसलिए पानी की बाल्टी एडवांस में भर के रख दी है। और ये देखिए अच्छे से सूख गए हैं, और बस आज के हमने इतने तोड़े हैं। ये देखिए हाथ से तोड़े हुए घर के मैदे के जवे, सेवैयां, सीमियां, सीमियां। आज के तो हमारे एक थाली हो गए हैं, फुल तो नहीं हुआ पर आधी थाली है ना। तो अभी बज गए हैं 7:00 और अब बनाते हैं डिनर, तो डिनर की तैयारी करते हैं। और आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में, तब तक ले बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।